चक्का जाम कर रखा, कोई गाड़ी मत लायो। ऑल इंडिया चक्का जाम, टेम्पो, टैक्सी, ऑटो, बस, ई रिक्शा सब। अपना कानून वापस लो, अपना कानून वापस लो। ऑल इंडिया जाम है मालिक, ऐसा कोई मत सोचो कि एकता नहीं है, एकता है, फुल हमारा सपोर्ट है। ये परवनी जंक्शन का रेलवे रखा है भाई, पूरा बंद कर दिया हमने। छोड़ो आंदोलन चालू। सबके दिल में यही है कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद। चक्का जाम कर देना रोड पे पूरे देश में। हम जेल चले गए तो फिर हमारे घर वालों का क्या होगा बताओ? पूरा आगे जाम कर दोगे? बिल्कुल। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू करेंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, बाकी हम गाड़ियां कतई नहीं चलाएंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। रुका भारत थमे चक्के, सरकार तक गूंजेगी अब आवाज। नहीं देखा होगा आपने पहले ऐसा जाम। ये देखो भाइयों, ये ड्राइवर है, सब लोग सब खड़े, बाइक वाले, गाड़ी वाले, ट्रैक्टर वाले सब रुक गए, सब चक्का जाम कर दिया। अब बताओ भाई साहब, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, अगर ऐसा कानून चलेगा तो हम धंधा कोई नहीं करेंगे और हमारी एकता जिंदाबाद हमेशा रहेगी और सब ड्राइवर घर जाने को तैयार हो रहे हैं। ये देखो भाइयों, ऐसा कोई मत सोचो कि एकता नहीं है, एकता है, फुल हमारा सपोर्ट है। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, कोई हल्ला नहीं मचा रहा है, कोई परेशान नहीं हो रहा है, कोई दुखी नहीं है। इस परेशानी से सब निकलना चाहते हैं और सब हमारे साथ खड़े हैं। देखो हमारी सारी गाड़ियां, सीमेंट वाले भी खड़ी है, मार्केट वाले भी खड़े हैं, ऑन रोड ट्रैफिक भी खड़ा है। कोई आइए नहीं कह रहा कि ट्रैफिक हटाओ या रोड खोलो। सबके दिल में यही है कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयपुर रोड बिल्कुल बंद है, कोई गाड़ी मत लायो रेलू। बिल्कुल रोड बंद है, सील कल के पटक रखो, जयपुर रोड बिल्कुल बंद कर दियो। देखो ये बनारस में चक्का जाम हो चुका है देखो, और कच्चा माल भर के कोई आना मत। सब भाइयों से निवेदन है, कच्चा माल भर के कोई भी आएगा तो यहाँ आके खड़ा ही रहेगा आराम से दो चार दिन के लिए। यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा, और ये अपना उधर से आते हैं तो जो राजा तालाब बोलते हैं उसे पार करने के बाद में जाम है आगे। जो सभी ड्राइवर भाइयों ने आज स्टीयरिंग छोड़ हड़ताल करी है, ये जो काला कानून निकाला गया इसके लिए। पीलीभीत में देखो, ये देखो सारी गाड़ी खड़ी कर रखी है हम लोगों ने, ये सारी पीलीभीत में ये काला कानून निकाला है, इसके लिए स्टीयरिंग छोड़ हड़ताल। जयपुर रोड बिल्कुल जाम कर रखा, चक्का जाम कर रखा, कोई गाड़ी मत लायो, कोई भाई भी। ये अमरावती शहर विदर्भ, पूरे गाड़ियां खड़े कर चुके हैं, चक्का जाम हो चुका है। अमरावती शहर के अंदर पूरा चक्का जाम करके गाड़ियां खड़े कर चुके हैं। ये सब ड्राइवर है भाई, सब ने गाड़ियां खड़े कर चुके हैं। ये पूरे गाड़ा खड़े हो चुके हैं, ये पूरे ड्राइवर है, ये पूरे ड्राइवर भाई ये सर। 10-10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे ये? हाँ आप कुछ कर लो पड़ा भैया, मजबूरी। पहले तो कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ आगे क्या करेंगे हम लोग? हाँ आप कुछ करना चाहेंगे? देना पड़ता। हाँ ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता। हड़तालें कर दी है यहाँ से, वहाँ तक पूरा जाम लगा दिया है। सारे ड्राइवर भाइयों ने हड़ताल कर दी यहाँ पे बाईपास पे, आधे घंटे से पूरा जाम लगा हुआ है जी। ये बाईपास पे पूरा जाम लग चुका है, लखानी बाईपास पे ड्राइवर भाइयों ने हड़ताल कर दी है, पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ से लेके पालदा तक, उधर 7 मील तक भाई। इलाहाबाद ब्रिज के पहले ये नए कानून के खिलाफ रोड पर स्ट्राइक लगा दिया है, देखते हैं।
भारत में नया बिल पास हुआ है तो ड्राइवरों ने सड़क पर ही बना दिया है अपना डेरा। गाड़ियों के चक्के थम गए हैं, कंपनियां वीरान पड़ी हैं, काम ठप है। दरअसल एक नया बिल पास हुआ है जिसमें हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस पूरे बिल के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं और बाकी आप सब जानते ही होंगे। दरअसल इस मामले को लेकर ड्राइवर सड़कों पर हैं और विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल का असर सबसे ज्यादा ड्राइवरों पर ही पड़ेगा, क्योंकि रोड पर कमर्शियल व्हीकल तो चलने ही हैं, कानून सबके लिए है, लेकिन ड्राइवर इस पर आक्रोश जता रहे हैं। ड्राइवर ये नहीं कह रहे कि कानून वापस लिया जाए या फिर कानून गलत है, बस ये कहा जा रहा है कि इसमें ड्राइवरों की असुविधा को कोई नहीं देख रहा। इसी क्रम में हाईवे मंडी बनी पड़ी है, गाड़ियां ही गाड़ियां रोड पर खड़ी हैं। हमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बहुत जगह से ऐसे कई वीडियोस भेजे गए हैं। हम अपने बाल बच्चों को पालते हैं, माँ बाप भाई बहन सबका हम देखभाल करते हैं। हम अब बताओ ऐसे कानून के अंदर हम 10 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगे? और चलो ठीक है, जुर्माना तक भी ठीक है भाई साहब, हम जेल चले गए तो फिर हमारे घर वालों का क्या होगा बताओ? ये चीज है, इसीलिए सब भाई लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये इसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ भाई लोग सब इकट्ठे हुए हैं। हम ड्राइविंग के अंदर अपना परिवार का पेट भरते हैं और हम कहाँ से 10 लाख देंगे? हमारे परिवार का सिर्फ ये कमाई में पेट ही भरता परिवार का। नया कानून बना, यही है, कहाँ से 10 लाख देंगे? यही चीज लोग बाग सब ये कह रहे हैं, ये कानून अपना वापस लो। किसान का नहीं सुना, हमारा क्या सुनेंगे? ये हमारे कौन सुनेगा भाई साहब बताओ? ये सुनाई नहीं होगी तो पूरा ऑल इंडिया जाम है मालिक। ये एक तारीख की सुनाई नहीं हो, ये अभी कोई हमारा अप्रोच करने का या किसी का पूरा ऑल इंडिया हमारे को हमारी बड़ी गाड़ी चलानी हमारे को चला नहीं है गाड़ी, क्या संभालू हमारी किस्मत? 5 तारीख को खड़ा भी कोई आदमी आके मर गया, क्या करेंगे हम? ये एक भी सर पास नहीं करी हमारी, हमारे से किसी ड्राइवर से सर पूछा है भाई ये मांग है हमारे, किसी से पता करा है? 29 मांग में से एक भी पास नहीं करा। फिर सर हमने जो भी अपनी जी जान से लगा हुआ है, ड्राइवर कहाँ से देगा? 10 साल के लिए जेल चला गया, कितनी जमीन हमारे पास? थोड़ी बहुत जमीन है वह देख के नहीं फिर छुड़ाएंगे हम? 5 लाख रुपए कितना है? किसी के पास तो कमाई नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, कई एसोसिएशन सरकार को रेगुलरली मांग पत्र भेज रही हैं, सोशल मीडिया पर पीएम और होम मिनिस्टर को ट्वीट किए जा रहे हैं। इस आंदोलन का प्रभाव सिर्फ ड्राइवरों पर ही नहीं पड़ रहा बल्कि आम लोगों पर भी इसका खासा असर हो रहा है। आवाजाही बंद है, जाम ही जाम है, चीजें समय पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और इसके साथ साथ कई कंपनीज जैसे अमूल, ब्लू डार्ट जैसी और कई कंपनियां सुनसान पड़ी हैं। मानो सब ड्राइवर छुट्टी पर गए हों। इनकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। करो लगा नारे, ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर यूनियन। भाई हाईवे पे जितनी गाड़ियां हैं वो ड्राइवर ही तो हैं। चलो चलो, पहले तो जय जगन्नाथ। बात ये कि मैं सरकार को आप हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ये जो कानून आप अपने भारत दंड संहिता में जो ये लागू करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही काला कानून है। ये काला कानून नहीं चलेगा। हम एक तिहाई हिस्सा का काम करते हैं इस भारत में, हम ड्राइवर भाई। अगर हम चाहे ना, लोग भूखा मर जाएंगे, उनको खाना तक नहीं पहुंच पाएगा। पर क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान का दर्द समझते हैं, तब जाके अपनी कीमत गिराकर पर रोड पर चलते हैं। आप अपना परिवार गांव पे लगा सकते हैं? नहीं। आप लगा सकते हैं? नहीं। जब नहीं लगा सकते तो सरकार से अपील है कि ये कानून जितनी जल्दी हो सके वापस ली जाए। ये कानून कैसा है? ये कानून सरकार को वापस लेना होगा, चाहे हम लोग लास्ट में गाड़ी हम लोग नहीं चलाएंगे लास्ट में गाड़ी, नहीं तो फिर अलग रास्ता। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाना छोड़ देगा तो हर कोई भूखा मर जाएगा, क्योंकि एक सुई भी ड्राइवर ही लाके देता है इंसान को, हर इंसान के पास पहुंचाता है, खाने से लेके पीने से लेके पहनने से लेके हर कुछ। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो आम आदमी के पास नहीं पहुंचेगा, इसलिए ये कानून का सपोर्ट सिर्फ ड्राइवर को, इस कानून का विरोध नहीं करना होगा, आम आदमी को भी इस कानून का विरोध करना होगा। क्योंकि अगर ड्राइवर अगर गाड़ी नहीं चलाएगा, जेल में रहेगा, तो फिर आपके पास जो
रोज़मर्रा का सामान पहुंचता है वो नहीं पहुंचेगा, और ड्राइवर ही है जो आपके आपको ज़िंदा रखा है अगर आप माने तो। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं, तो ड्राइवर के वजह से ही आप अभी ज़िंदा है। अगर आपको ऑफिस भी जाना है तो ड्राइवर की मदद से ही ऑफिस जाना पड़ता है। आपको हर सामान एक ड्राइवर ही ला के आप तक पहुँचाता है। आप तो सोचते होंगे एक दुकान से खरीदते हैं, लेकिन दुकान में कौन ला के देता है, एक ड्राइवर ही ला के देता है। तो ये सब चीज़ को ख्याल में रखते हुए आम आदमी को भी इसके सपोर्ट में आना चाहिए, और अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो आप तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। सरकार जो कानून लागू किया है ये हम लोग खारिज करते हैं। हम लोग को एक इसमें हम समर्थन नहीं कर सकते, हम ड्राइवर। कई एसोसिएशंस इस मामले में आगे आ रही हैं, पुलिस आगे आकर समझा रही है, मसले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ड्राइवरों की बस इतनी सी मांग है कि इस कानून में स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी लाई जाए। किसी बदलाव की मांग नहीं है, लेकिन साफ साफ स्पष्ट किया जाए और साथ ही साथ इसमें पूरी तरह से क्लियरिटी हो, और ड्राइवरों को होने वाली असुविधा का भी इसमें कोई ना कोई प्रावधान जरूर बनाया जाए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि किसी ड्राइवर से कोई ऐसी घटना घट जाती है, ऐसा कोई हादसा हो जाता है, तो ड्राइवर अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने जाता है तो उसमें कई बाधाएं आएंगी। लोग ड्राइवर को पीट पीट कर वही मार देंगे, या फिर ड्राइवर की गाड़ी को आग लगा दी जाएगी, क्योंकि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, और इसी डर के मारे अब जो ड्राइवर हैं वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अगर जो चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो ये चिंगारी और बढ़ेगी। इस मामले पर आने वाली अपडेट पर चर्चा होती रहेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी आप तक हर जानकारी पहुंचाता रहेगा और आपकी आवाज को उठाता रहेगा। आप लोगों के इस मसले पर क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।